कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने गीता की उपदेश स्थली ज्योतिसर तीर्थ पर जाकर माथा टेका। अशोक तंवर पहली बार ज्योतिसर आए थे। उन्होंने ऐतिहासिक वटवृक्ष को देखा और माथा भी टेका। उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अशोक तंवर ने ज्योतिसर तीर्थ पर सरोवर के पानी की स्वच्छता न देखकर नाराजगी जाहिर की। तंवर ने सरकार से प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों की उचित देखभाल कराने की भी अपील की। आज सौभाग्य मिला कि जिस धर्म स्थली पर गीता का उपदेश दिया गया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो अन्याय अत्याचार के प्रतीक हैं, अधर्म के प्रतीक हैं, उनके सामने मजबूती से खड़े होकर के और उनको परास्त करो। आज उस स्थान के हमने भी दर्शन करे हैं और एक नई प्रेरणा, एक शक्ति लेकर के हम भी रण के मैदान में तो हैं ही, और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा शक्ति के साथ हम भी आम जनता की, गरीब आदमी की, किसान मजदूर की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की, और जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अन्याय और अत्याचार जिनके ऊपर हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन देख करके इस स्थान को लगता नहीं कि इतना ऐतिहासिक स्थान की जो पार्टी धर्म की बात करती थी, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके जो सत्ता में आई थी, वो इस तरीके से अनदेखी करेगी। ये सारा जो पानी है वो बिल्कुल दूषित पानी है, पानी की कमी भी है, पीछे भी सारा जो रख रखाव है इस पूरे स्थान का वो भी सही तरीके से नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ऐसे स्थानों को, जो पवित्र स्थान है, जिनका हरियाणा के इतिहास और हमारे भारतीय संस्कृति के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जिनका संबंध है, उनके बारे में अच्छे तरीके से सोच करके उनको डेवलप किया जाए, ताकि ना केवल धार्मिक भावनाओं की हम कद कर सकें बल्कि उसके साथ साथ पर्यटन को भी। आज पर्यटन मंत्री, खुद राज्यपाल महोदय यहाँ पर थे, लेकिन ये सारी चीज़ों की अनदेखी हो रही है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं।